दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीमेल आईडी का नेम चेंज कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जीमेल आईडी का नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करना है। अब जिस भी ईमेल आईडी का नाम आप चेंज करना चाहते हैं उसे आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे इसी ईमेल आईडी का नेम चेंज करके दिखाना है तो मैं इसी में आपको बताऊंगा। ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में गूगल अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यदि आप यहाँ से अपना पहला नाम बदलना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ से यदि आप अपना लास्ट वाला नाम, मतलब यदि आप अपना सरनेम बदलना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहला वाला नाम चेंज करके दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ पहला वाला नाम बदलना है तो यहाँ पर मैं अपना पहला नाम डाल देता हूँ। नाम डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो सेव का आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर रितेश त्रिपाठी था, अब यहाँ पर प्रशांत त्रिपाठी लिखकर आ रहा है। अभी यदि आप यहाँ से बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशांत त्रिपाठी दिखने लगा है। तो इस प्रकार से आप अपने जीमेल आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके में ये प्रोसेस काम नहीं करती। वो इस प्रोसेस को फॉलो तो करते हैं पर उनका नाम चेंज नहीं होता और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो जैसा कि पहला सवाल है कि क्या यदि हम नेम चेंज करते हैं तो उसके बाद ईमेल आएगा या नहीं आएगा, तो इसका जवाब हाँ है। आपका नाम चेंज करने से आपके ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होता, तो आप नाम चेंज करेंगे तो आपको ईमेल आएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि डिस्प्ले नेम चेंज हुआ है सिर्फ आईडी में, तो वही है। तो इसमें आपका डिस्प्ले नेम ही बस चेंज होगा और आईडी में सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक बार ईमेल एड्रेस आपको जनरेट कर दिया जाता है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए आपको यदि ईमेल आईडी में नेम चेंज करना है, ईमेल एड्रेस में नेम चेंज करना है, तो उसके लिए आपको नया ईमेल बनाना पड़ेगा। अब जैसा ये तीसरा सवाल इसमें है कि इसमें पुराने अकाउंट का नेम चेंज होगा कि नहीं, तो अकाउंट चाहे नया हो या पुराना हो सभी अकाउंट के नेम चेंज हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के बताए गए तरीके से आप अपने अकाउंट के नेम को चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट नया हो या पुराना हो। उसके बाद जो अगला सवाल है, मुझे अपना फर्स्ट नेम चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया कि दो ऑप्शन इसमें मिलता है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम का मिलता है और दूसरा सेकेंड नेम का। तो यदि आप फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं जैसे मैंने अपना चेंज करके दिखाया, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं। और जो उसके बाद अगला सवाल है, नाम चेंज हो गया पर सेव नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि गूगल के सर्वर में कुछ इशू हो। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उसके बाद आप चेंज करने की कोशिश करें तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये यूज़र पूछते हैं कि नाम चेंज तो कर लिया लेकिन जब हम यूट्यूब वीडियोज़ में कमेंट वगैरह करते हैं तो हमें हमारा पुराना नाम ही दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप नेम चेंज करते हैं तो गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे प्ले स्टोर हो या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका नाम दिखता है, तो वहां पर कुछ टाइम लग सकता है, कभी कभी 10 मिनट या फिर कभी कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो यदि आपने नेम चेंज किया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हर जगह पर आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपके पास बहुत सारे गूगल अकाउंट है और आप उनमें से किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किसी गूगल अकाउंट को डिलीट करते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।